अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप दुआएं हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ, 1-2 मिनट, ताकि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं। मीन ओके वेल सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सर जी जी बोल रहे हैं। सर मिड कब से स्टार्ट हो रहे हैं? बेटे मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी मैंने आपका देखा भी नहीं है क्या है, जो सेमेस्टर का टोटल प्रोग्राम किस तरह से उन्होंने डिजाइन किए। अभी मेरा ख्याल हमारे 2-3 वीक में क्लासेस शुरू हुए हुए। सेमेस्टर 2 मंथ क्या है? सही है, तो 3 वीक भी अगर हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी 2-1 वीक पड़े हैं आपके पास। जी सर। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने करना था वो ज्वाइन वो कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन में सबसे पहले ओवरव्यू है कि थ्रेड होते क्या हैं और उनको हमने क्यों यूज करना है। उसके बाद मल्टी कोर प्रोग्रामिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग में और मल्टी कोर प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है। मल्टी थ्रेडिंग के मॉडल पढ़ेंगे, इसमें 1-to-1 मॉडल है, 1-to-many है, many-to-1 है, many-to-many है। तो उसके बाद जो थ्रेड लाइब्रेरीज हैं, एक जो POSIX की लाइब्रेरी पी थ्रेड है जो कि लाइनक्स की तरफ से प्रोवाइड की गई है, और दूसरी जो है वो विंडोज की लाइब्रेरी है, एक जावा की लाइब्रेरी है। इसमें हम POSIX और जावा को थोड़ा बहुत जो है वो टच करेंगे। बाकी ये वाले जो 3 टॉपिक हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इनको कवर किया जाए। इम्प्लिसिट थ्रेडिंग, थ्रेडिंग के इश्यूज क्या होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स के साथ। ऑब्जेक्टिव में जो है वो देखना है हमने कि जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं थ्रेड के रिलेटेड, और ये आपके जो प्रोसेस है उससे किस तरह से डिफरेंट है। बेनिफिट क्या है थ्रेड को यूज करने के, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन जो है वो कैसे डिजाइन की जाती हैं। उसके बाद है इम्प्लिसिट थ्रेडिंग के मतलब, ये इस लेक्चर में नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे इम्प्लिसिट थ्रेडिंग को। उसके बाद विंडोज और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो थ्रेड की रिप्रेजेंटेशन है उसको हम देखें, और एट द एंड डिजाइन मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन यूजिंग पी थ्रेड जावा एंड विंडोज थ्रेडिंग एपीआई। इसमें से हम 1-2 को टच करेंगे, होपफुली हम विंडोज को नहीं करेंगे, जावा को और जो दूसरी थ्रेडिंग एपीआई है लाइनक्स की पी थ्रेड, उसको हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये है कि हमने मल्टी थ्रेडिंग करने क्यों। सबसे पहले एक फैक्ट ये है कि हमारी ज्यादातर जो एप्लीकेशन आज हमारे पास चल रही है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है। थ्रेड जो होते हैं वो एक एप्लीकेशन के अंदर रन कर सकते हैं, और मल्टीपल टास्क जो डिफरेंट टास्क हैं उनको आप डिफरेंट थ्रेड्स के जरिए जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक ही प्रोसेस में एक थ्रेड है जो कि आपके डिस्प्ले को अपडेट कर रहा है। आप एक एग्जाम्पल ले लें कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन है। अब वर्ड में आप कुछ टाइप कर रहे हैं, जो चीज आप टाइप कर रहे हैं वो आप आईओ डिवाइस से यानी कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं। अब वो जो है वो आपकी फाइल में भी जानी है, और साथ साथ आपका डिस्प्ले जो है वो भी अपडेट होना है। तो एक थ्रेड होगा जो आपके डिस्प्ले को अपडेट कर रहा है, एक थ्रेड होगा जो कि आपका डाटा को फेच कर रहा है। ठीक है, डाटा को फेच करने का जो थ्रेड है वो कहाँ पे आ सकता है? हो सकता है कि आपके पास एक ब्राउजर का एक प्रोसेस हो जहाँ पे उसने एक थ्रेड रखा हुआ हो जिससे वो सारी डाटा की कम्युनिकेशन कर रहे हैं फ्रॉम आईओ डिवाइस या नेटवर्क से। नेटवर्क के लिए ये अलग थ्रेड उसने बताया हुआ है कि नेटवर्क के लिए एक अलग थ्रेड हो सकता है।
इसी तरह आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो स्पेल चेकिंग भी करता है, तो उसके लिए उसका एक अलग थ्रेड हो सकता है कि चल रहा हो, जो कि हर वक्त एग्जीक्यूशन में है, और एग्जीक्यूशन करते करते जैसे ही आप टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते साथ ही वो आपका जो वर्ड है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है उनको अंडरलाइन कर देता है। तो बेसिकली आपकी जो एक एप्लीकेशन है, आपका जो एक प्रोसेस है, उसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि मिल के आपका जो काम है उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मोटिवेशन में हमें एक चीज, हमने ये देखना था कि हम क्यों थ्रेड करते हैं, तो उसकी एक वजह ये है कि जो प्रोसेस क्रिएशन है ये एक हैवी वेट प्रोसेस है, यानी इसका सिस्टम के ऊपर जो लोड होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है उसके साथ एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो एसोसिएटेड होता है, उसमें काफी सारी चीजें हैं, उसमें आपके प्रोग्राम काउंटर है, उसमें आपके पास रजिस्टर की वैल्यूज हैं, उसमें आपके पास लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स हैं, उसमें आपके पास लिस्ट ऑफ असाइंड डिवाइसेस हैं। तो अगर आप हर एक काम के लिए एक प्रोसेस बनाना शुरू कर देंगे तो उससे होगा ये कि आपके पास जो आपकी ज्यादातर मेमोरी है वो प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक से भर जाएगी और आपके पास एक्चुअल जो है काम करने के लिए मेमोरी जो है वो कम रह जाएगी। दूसरी वजह ये है कि हमें ये पता है कि जब प्रोसेसर होता है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और एग्जीक्यूट करते करते उसने स्विच करके दूसरा प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें क्या होगा कि एक कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, उसने जो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो उसको सेव करना है पीसीबी के अंदर, और दूसरा जो पीसीबी है जिसको लोड करना है, जिसको अभी एग्जीक्यूट करना है, उसको मेमोरी से लोड करके अपने रजिस्टर के अंदर लेके आना है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को अपडेट करना है। तो ये जो है ये एक हैवी काम है, ये एक हेक्टिक काम है, इसका जो कह लें कि जो सिस्टम के ऊपर लोड है वो ज्यादा है, सिस्टम को जो कास्ट पड़ती है वो ज्यादा है। तो जो थ्रेड है उसमें कास्ट कम पड़ती है, वो कैसे कम पड़ती है जब हम थ्रेड को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते। उसके बाद ये है कि आपका कोड जो है उसको सिंप्लीफाई कर सकता है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। किस वजह से कर सकता है, वही जो आपकी कॉस्ट है, जो एडिशनल कॉस्ट है उनको आप कम कर देते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि कर्नल्स होते हैं जो होते हैं वो आपके पास यूजली मल्टी थ्रेडेड होते हैं, यानी कर्नल आपको पता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, तो उसमें जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं वो भी मल्टी थ्रेडेड होते हैं, ये नहीं है कि उनमें एक एक थ्रेड होता है, तो वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कंट्रास्ट है सिंगल और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिंगल थ्रेडेड की, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक में आपके पास प्रोग्राम का कोड होगा, डाटा ब्लॉक में आपके पास उसका डाटा होगा, फाइल्स में लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स होंगी, ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है, उसके बाद आपके पास रजिस्टर की वैल्यूज हैं, उसके बाद ये स्टैक है यहाँ पे, तो ये पूरा जो है ये आपके पास एक प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी के एक डायग्राम बनाए। लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन करता है तो एक ही थ्रेड में करता है, एक ही थ्रेड में करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शन होंगी वो इन अ सीक्वेंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही वन बाय वन, यानी पहले ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी, उसके बाद ये होगी, इनमें कोई पैरेललिज्म नहीं है, ये ओवरलैप नहीं कर रही, ये वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रही। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो तब क्या होगा, तब आप ये देखेंगे कि आपका प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक जो है वो इस तरह का होगा। लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आपके पास एक ही प्रोसेस में तीन थ्रेड्स चल रहे हैं, ये तीन थ्रेड कुछ चीजें जो है वो शेयर कर रहे हैं, क्या चीजें शेयर कर रहे हैं, आपका कोड ब्लॉक जो है वो शेयर कर रहे हैं, आपका डाटा ब्लॉक जो है वो शेयर कर रहे हैं, और आपकी जो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिक हैं हर एक थ्रेड के लिए, लाइक हर एक जो थ्रेड है उसके पास अपना सेट ऑफ रजिस्टर होगा, अपना सेट ऑफ स्टैक होगा, अपना जो है वो प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा थ्रेड है, इसमें रजिस्टर की वैल्यूज हैं, इसमें स्टैक जो है वो डिफरेंट है, इसमें प्रोग्राम काउंटर जो है वो डिफरेंट है, और इसी तरह से ये वाला जो तीसरा थ्रेड है। तो इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है इस तरह से चल रही है, तीन चार इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले थ्रेड में है, इसी तरह से तीन इंस्ट्रक्शन जो है वो दूसरे थ्रेड में है, दो इंस्ट्रक्शन जो है वो तीसरे थ्रेड में है, तो हो सकता है कि पहले आपकी ये इंस्ट्रक्शन कॉल हो, उसके बाद ये वाली कॉल हो, उसके बाद जो है वो ये वाली कॉल हो, और उसके बाद एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में हो सकता है कि पहला थ्रेड जो है वो हाल्ट हो जाए किसी वजह से, और दूसरे थ्रेड की दोनों इंस्ट्रक्शन हो जाए, उसके बाद तीसरे थ्रेड की एक इंस्ट्रक्शन हो जाए, और फाइनली नेक्स्ट फेज के अंदर आपके पास जो पहला थ्रेड है उसकी तीन इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉल हो जाए, तो
तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रही हैं बेसिकली वो ओवरलैप कर रही हैं फ्रॉम वन थ्रेड टू द अदर थ्रेड, यानी आपके पास ऐसा कोड है जिसको आप पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चले नेक्स्ट चलते हैं हम, एक और डायग्राम है, ये आपके पास क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर है। बेसिकली यूजली जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होते हैं उसमें आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। यहाँ पे तो एक ही क्लाइंट शो किया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्लाइंट टू हो, यहाँ पे क्लाइंट थ्री है, तो ये सारे जो है ये सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब होता ये है कि अगर सर्वर जो है वो एक ही थ्रेड के अंदर रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस कर रहा है, तो होगा क्या कि अगर एक क्लाइंट था उसने रिक्वेस्ट भेजी है तो सर्वर इसकी रिक्वेस्ट को जो है वो फुलफिल कर रहा है। मीनवाइल ये वाले जो दोनों है क्लाइंट्स, इनको वेट करना पड़ेगा कि ताकि सर्वर जो है वो पहली रिक्वेस्ट से फारिग हो जाए और उसके बाद इनकी रिक्वेस्ट जो है उनको सर्व करना शुरू कर। लेकिन होता है एक्चुअली क्या है कि जब भी क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर के पास एक होता है थ्रेड पूल, या वो एक नया जो थ्रेड है वो क्रिएट कर देता है। ठीक है, वो एक नया थ्रेड क्रिएट कर देगा और हमारा क्लाइंट जो है उसकी रिक्वेस्ट बेसिकली इस थ्रेड से कंप्लीट हो रही है। इसी तरह जब हमें दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ से आती है तो एक नया थ्रेड क्रिएट होगा और उसको यहाँ से सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह जब हमें तीसरी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाती है तो एक और थ्रेड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और वो तीसरा थ्रेड जो होगा वो ये करेगा कि वो तीसरे क्लाइंट की सर्विस को रिक्वेस्ट करना शुरू कर। तो इस तरह मल्टी थ्रेडिंग से आपका जो पैरेललिज्म इंक्रीज हो जाती है, आपका रिस्पांस टाइम जो है वो कम हो जाता है और आपको ये लगता है कि जिस एप्लीकेशन से आप डाटा या प्रोसेसिंग डिमांड कर रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। इसके बेनिफिट्स में वही चीजें जो रिस्पॉन्सिव की अभी मैंने बात की है कि जब आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं तो मल्टीपल काम हो रहे होते हैं तो हर एक यूजर जो है उसको ये लग रहा होता है कि आपका जो काम है वो कंप्लीट हो रहा है। लाइक अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है उसमें एक थ्रेड था जो आपके यूजर इंटरफेस को अपडेट कर रहा है, एक जो है स्पेल चेकिंग कर रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि जब वो दोनों थ्रेड आपस में कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारी स्पेल चेकिंग भी हो रही है, हमारा जो डिस्प्ले है वो भी अपडेट हो रहा है, तो हमें एक रिस्पॉन्सिवनेस जो है उसका एक इम्प्रेशन बनता है। उसके बाद है रिसोर्स शेयरिंग। थ्रेड जो होते हैं वो प्रोसेस के रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जिस तरह हमने पीछे डायग्राम में भी देखा कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि थ्रेड स्पेसिफिक होते हैं, लाइक रजिस्टर की वैल्यूज हो गई, प्रोग्राम काउंटर हो गया, स्टैक हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो कि प्रोसेस के साथ वो शेयर कर रहा होता है, जिसमें आपका कोड सेक्शन होता है, जिसमें आपका डाटा सेक्शन होता है, जिसमें आपका लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स होती हैं, लिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस होती हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो शेयर हो रही होती हैं, तो इसलिए उनका जो यूज है उन डिवाइसेस का वो ऑप्टिमल हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमी का मतलब ये है कि प्रोसेस क्रिएशन से थ्रेड की क्रिएशन जो है वो ईजी है, उसका जो सिस्टम के ऊपर लोड है, सिस्टम के ऊपर जो कास्ट है वो कम होगी। इसी तरह जो थ्रेड स्विचिंग है उसका ओवरहेड जो है वो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जो कास्ट है उससे काफी कम है। उसके बाद स्केलेबिलिटी, उसके बाद इसमें उसने ये कहा है कि प्रोसेस कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी कोर आर्किटेक्चर। मल्टी कोर आर्किटेक्चर ऐसे होते हैं कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं और उसमें हर एक प्रोसेसर जो है, एक प्रोसेसर में भी मल्टी कोर हो सकता है कि एक प्रोसेसर में अगर ज्यादा कोर्स हैं तो वो प्रोसेसर जो है वो एक टाइम पे एक से ज्यादा थ्रेड्स जो है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द एडवेंट ऑफ थ्रेड्स या मल्टी थ्रेडिंग होता ये है कि आप जो एडवांटेजेस हैं आपके पास हार्डवेयर के उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो ज्यादा तेजी से आपको आप अपने जो रिजल्ट है वो मिलने शुरू हो जाए। मल्टी कोर प्रोग्रामिंग, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि मल्टी कोर या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो है वो प्रोग्रामर के ऊपर जो है वो चैलेंजेस डाल रहे हैं, उसमें प्रेशर डाल रहे हैं, चैलेंजिंग डाल रहे हैं। अब ये प्रेशर क्या है या ये क्या चैलेंजेस हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं, यानी आपके सिस्टम है उसमें दो प्रोसेसर हैं या चार प्रोसेसर हैं, लेकिन आपका कोड जो आप लिख रहा है, जो प्रोग्रामर कोड लिख रहा है, उसमें ऐसी पैरेललिज्म है ही नहीं कि उसको एक से ज्यादा प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट किया जा सके, तो फिर आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर होने का फायदा नहीं है। अगर आपका सारा कोड जो है वो सीक्वेंशियल है,
जिसने वन आफ्टर द अदर ही एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आपका एक प्रोसेसर जो है वो काम करता रहेगा, बाकी प्रोसेसर जो है वो फ्री रहेंगे, या उसके ऊपर जो है वो दूसरी एप्लीकेशन रन कर रही होंगी। लेकिन जो मल्टी कोर होते हैं, जहाँ पे एक ही प्रोसेसर में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, एक प्रोसेसर में मल्टीपल थ्रेड का मतलब ये है कि प्रोसेसर एक ही है लेकिन वो मल्टीपल थ्रेड्स को एट द सेम टाइम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर आपने थ्रेड नहीं बनाए हुए, आपने अपने प्रोग्राम को इस तरह से नहीं लिखा हुआ कि वो पैरेलल एग्जीक्यूट कर सके, तो आपको वो मल्टी कोर हार्डवेयर खरीदने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो चैलेंजेस हैं, जो प्रेशर है प्रोग्रामर के ऊपर, वो क्या है कि अपनी एक्टिविटीज जो है उनको डिवाइड करना है। किस तरह से डिवाइड करना है कि वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सके, बैलेंस करना है उनके दरमियान, तवादन पैदा करना है। तवादन पैदा करने का क्या मतलब है कि आपने जो डिवाइड की हुई है एक्टिविटीज, उनमें तकरीबन सब में जो है वो बराबर का काम या बराबर की प्रोसेसिंग जो है वो आप स्प्लिट करें। उसके बाद है डाटा स्प्लिटिंग। डाटा स्प्लिटिंग जो है वो उस सेंस में आ जाता है जब आपने काफी ज्यादा डाटा के ऊपर एक ही तरह की प्रोसेसिंग करनी है। लाइक मैं ये कहता हूँ कि आपके पास एक अरे है और अरे जो है इसमें कह लें कि 1 मिलियन जो है वो आपके पास इंटीजर्स हैं, 1 मिलियन इंटीजर्स हैं, और हर एक इंटीजर जो है उसके ऊपर आपने कोई प्रोसेसिंग करनी है। वो क्या प्रोसेसिंग करनी है, हो सकता है कि आपने उसका जो स्क्वेयर है वो कैलकुलेट करना, ठीक है। लाइक यहाँ पे हर एक वैल्यू एक्स है तो आपने एक्स स्क्वेयर जो है उसको कैलकुलेट करना। तो इसमें आप ये करते हैं कि आप इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 1 मिलियन को आप जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, और जितने थ्रेड आपके पास होंगे हर एक थ्रेड में सबके ऊपर जो है बारी बारी आप स्क्वेयर जो है उसको कैलकुलेट करना शुरू कर। उसके बाद ये वाले जो चैलेंजेस हैं, इसमें क्या होगा कि डेटा डिपेंडेंसी, कि जब आप अपना काम जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल थ्रेड में, तो आपने इस चीज को भी देखना है कि क्या कोई ऐसा कॉमन डाटा मौजूद है जिसके ऊपर एक से ज्यादा थ्रेड जो है वो डिपेंड कर रहे हैं अपनी प्रोसेसिंग के लिए। तो उसको आपने कहाँ पे रखना है, उसको आपने प्रोसेस लेवल पे रखना है, उसको आपने थ्रेड लेवल पे रखना है। और फाइनली है आपके पास टेस्टिंग एंड डीबगिंग। ये काफी मुश्किल काम होता है जो पैरेलल एप्लीकेशन है उसमें टेस्टिंग करना और डीबगिंग करना। उसकी वजह ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरलीव हो रही है, वो पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रही है, तो कहीं पे अगर आपका प्रोग्राम क्रैश कर रहा है तो आपको हर एक थ्रेड के अंदर जाके देखना पड़ता है कि आपका जो क्रैश हुआ है या आपका इनकरेक्ट आउटपुट आई है वो कहाँ पे मसला हो सकता है, वो किस थ्रेड के अंदर मसला हो सकता है। तो इसकी जो डीबगिंग है वो भी मुश्किल होती है। यहाँ पे डेफिनेशन है कि पैरेललिज्म का मतलब है कि एक सिस्टम ऐसा जो कि एक टाइम में एक से ज्यादा काम कर सके। उसके बाद है कंकरेंसी। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट्स मोर देन वन टास्क मेकिंग प्रोग्रेस, सिंगल कोर प्रोसेसर भी हो सकता है, और स्केड्यूल प्रोवाइडिंग कंकरेंसी, ठीक है। उसमें जो स्केड्यूलर होता है वो आपकी कंकरेंसी प्रोवाइड करता है, यानी कंकरेंसी के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास हार्डवेयर लेवल के ऊपर मल्टीपल रिसोर्सेज हो, यानी मल्टी कोर सिस्टम हो या मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हो। कंकरेंसी जो है वो सिंगल प्रोसेसर सिंगल कोर में भी पॉसिबल है। उसमें जो कंकरेंसी है उसका मतलब ये है कि जितने आपके प्रोसेसेस हैं या जितने आपके थ्रेड्स हैं उनको आप बारी बारी इस तरह से चलाएं कि सबको ये इंप्रेशन मिले कि उनका काम हो रहा है। लाइक ये सिंगल कोर की एग्जांपल है कि यहाँ पे अगर आपके पास थ्रेड्स जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं T1 से लेकर T4 तक, तो यहाँ पे कंकरेंसी किस तरह से मिल रही है कि पहले एक टाइम स्लाइस T1 को मिला, फिर T2 को मिला, फिर T3 को मिला, फिर T4 को मिला, उसके बाद दोबारा T1 आ गया, फिर T2 आ गया, फिर T3 आ गया, फिर दोबारा T4 आ गया, और दोबारा T1 आ गया। तो ये वाली जो स्केड्यूलिंग है इसको हम कहते हैं कि ये राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग है कि आप एक क्यू के अंदर डाल लेते हैं और सबको बारी बारी जो है वो एक टाइम स्लाइस दे देते हैं। तो जब यहाँ से T1 जो है वो क्यू से निकलेगा तो वो क्यू के एंड के ऊपर दोबारा जाके लगेगा, तो T4 के बाद उसकी दोबारा बारी आएगी। तो इस तरह से जो स्केड्यूलर है वो भी आपको एक कंकरेंसी जो है उसका एक इंप्रेशन दे देता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास एक मल्टी कोर सिस्टम है जो कि एक से ज्यादा थ्रेड एक ही टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उसमें क्या होगा कि आपके थ्रेड जो है उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लाइक आपके पास 4 थ्रेड थे, 2 जो है वो आपने यहाँ पे कोर 1 के ऊपर स्केड्यूल कर दिए हैं, 2 जो है वो कोर 2 के ऊपर स्केड्यूल कर दिए हैं।
उसके बाद उनको दोबारा टाइम मिल रहा है। स्केजुलर जो है T1 के बाद T3 को एग्जीक्यूट करता है, फिर T1 को ले आता है, फिर T3 को करता है, फिर T1 को ले आता है, फिर T3 को करता है, और जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगे ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पे भी यही काम है कोड 2 के ऊपर। उसके बाद जो टाइप ऑफ पैरेललिज्म है इसमें एक है डाटा पैरेललिज्म। इसमें करते आप क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट सबसेट ऑफ सेम डाटा अक्रॉस मल्टीपल कोर्स, और हर एक के ऊपर जो है वो सेम ऑपरेशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको स्क्वेयर कैलकुलेट करने की एग्जांपल बताई कि आपके पास एक अरे है, उसमें इंटीजर्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं, काफी ज्यादा है। लाइक आप ये सपोज कर लें कि 1 मिलियन इंटीजर्स हैं, और उन 1 मिलियन इंटीजर्स जो है उनके ऊपर आपने स्क्वेयर जो है उसको कैलकुलेट कर, उसके ऊपर आपने स्क्वेयर कैलकुलेट करना है, तो हो सकता है कि आप उनको तोड़ लें, आप 1-1 लाख इंटीजर है जो है उसके ऊपर स्क्वेयर कैलकुलेट करना शुरू कर दें, और जितना आपका डाटा डिवाइड हो रहा है उतने आप थ्रेड्स बना। उसके बाद दूसरी जो पैरेललिज्म की टाइप है उसको आप कहते हैं कि टास्क पैरेललिज्म, डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रेड्स अक्रॉस कोर्स, यानी डिफरेंट कोर के ऊपर डिफरेंट थ्रेड चल रहे हैं और हर एक जो थ्रेड है वो डिफरेंट फंक्शन कर रहा है, ठीक है, और उसके लिए हो सकता है कि डाटा भी डिफरेंट हो। लाइक आपके पास एक थ्रेड है जो कि मीन कैलकुलेट कर रहा है, एक मीडियन कैलकुलेट कर रहा है, एक जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहा है, तो इस तरह से वो डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह के आपके पास जो है वो आप टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे वो मल्टी कोर प्रोग्रामिंग की या पैरेललिज्म की टाइप है, उसको आप ये कहते हैं SIMD, इसको कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। इसी तरह आप ये कहते हैं कि MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। इसी तरह मेरे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा भी होता है। ये अगर आपके पास इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी है तो इसका मतलब आपको यही समझ लेना चाहिए कि आप जो है वो पैरेललिज्म की टाइप्स की बात कर। ये डाटा और टास्क पैरेललिज्म जो है उसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाई गई है कि आपके पास जो है वो डाटा है उसको आप, ये पूरा जो है वो डाटा है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो ऑपरेशन करना है वो कोर 0 के ऊपर हो रहा है। डाटा का ये वाला जो सबसेट है उसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो कोर 1 के ऊपर हो रहा है इन अ डिफरेंट थ्रेड। ये वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर कोर 2 में डाटा ऑपरेशन हो रहा है, और इसके ऊपर जो है वो कोर 3 में ऑपरेशन हो रहा है। और टास्क पैरेललिज्म में क्या हो रहा है कि आपके पास डाटा जो है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और कोर 0 के ऊपर उसके ऊपर जो है एक डिफरेंट ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह मैंने कहा था कि मीन कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे हो सकता है मीडियन कैलकुलेट हो रहा हो, यहाँ पे हो सकता है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैलकुलेट हो रही हो, यहाँ पे हो सकता है उसकी वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट हो रही है। तो इस तरह जो टास्क पैरेललिज्म है उसमें हर एक कोर जो है उसके ऊपर जो थ्रेड चल रहा है उसमें आप डिफरेंट ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद है अमदाल्स लॉ। अमदाल्स लॉ जो है वो बेसिकली इस चीज को डील करता है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम को तोड़ दिया है, थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया है, और मतलब आप अपने प्रोग्राम को कभी भी इस तरह से नहीं तोड़ सकते कि उसका जो 100% पोर्शन है वो पैरेललाइज हो जाए, ठीक है, उसमें कुछ पोर्शन लाजमी ऐसा होगा जो कि सिक्वेंशियल होगा, कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसको आप पैरेलल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो अहमदाज ला जो है वो आपको ये बताता है कि जो आप पैरेलल कोड लिखते हैं उससे आपकी स्पीड अप जो है वो कितनी होगी, ठीक है, जो पैरेलल पोर्शन आप लिख रहे हैं उससे आपकी स्पीड अप कितनी होगी। इसके पैरामीटर्स जो है वो ये वाले हैं, एक आपके पास एस है और एक एन है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। एस जो है वो आपके पोर्शन प्रोग्राम का वो वाला हिस्सा है जो कि आपने सीरियल है, जो कि सीक्वेंस के अंदर लिखा है, जिसमें पैरेललिज्म नहीं है, जिसको कि एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, और इसकी वैल्यू या तो परसेंटेज में होगी लाइक जिस तरह 70% है और 20% है, या 0 से 1 के दरमियान में होगी। लाइक अगर आप ये कहते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन 75% पैरेलल है, सॉरी जो एप्लीकेशन जो है वो 75% पैरेलल है, तो आपका जो सीरियल पोर्शन होगा वो 25% होगा, तो उसमें एस की वैल्यू जो होगी वो 0.25 के बराबर होगी। इसी तरह आपके पास एन जो है वो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग कोर है कि एट द सेम टाइम आपके कितने थ्रेड चल सकते हैं, तो इन दोनों चीजों को देखते हुए आपके पास जो स्पीड अप है उसकी अपर लिमिट ये है कि दैट विल बी इक्वल टू 1/s +
वन माइनस एस डिवाइडेड बाय एन। अगर एस जो है वो आपका सीरियल सीक्वेंशियल कोड है या सीरियल कोड है, तो ये वाला पोर्शन जो है इसको अगर आप गौर करें तो ये क्या होगा, ये आपका पैरेलल कोड को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक अगर एस हमारे पास 0.25 था और हम ये कहेंगे कि 1 माइनस एस, तो ये 1 माइनस 0.25 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0.75। तो इसका मतलब ये था कि आपका 75% कोड जो था वो पैरेलल चल सकता था। ठीक है, तो इस फार्मूले के तहत आपके पास स्पीड अप आ जाएगी। यानी आप ये करते हैं कि आपका जो पैरेललाइजेबल कोड है, ऐसा कोड जिसको आप पैरेलल में चला सकते हैं, उसको नंबर ऑफ कोर्स के साथ डिवाइड करते हैं और उसको वन ओवर एस जो है उसमें ऐड कर रहे हैं, वन ओवर एस में, और उसको डिनोमिनेटर में ही एडिशन हो रही है। और एस जो है वो आपके पास किसको बता रहा है, एस आपको बता रहा है कि आपका जो सीक्वेंशियल कोड है या सीरियल कोड है वो कितना है। तो इन वैल्यूज के साथ अगर आपके पास जो है वो 75% जो है वो वैल्यू है उसकी पैरेलल कोड है और आपके पास एस की वैल्यू जो है वो 25% है और आपके पास नंबर ऑफ कोर्स जो है वो 2 है, यानी एन की वैल्यू जो है वो 2 है, तो आपका जो स्पीड अप होगा वो 1.6 टाइम्स होगा। ठीक है, वो जो होगा वो 1.6 टाइम्स होगा। और अगर आपके पास जो एन है वो अप्रोचेज इन्फिनिटी है, यानी आप नंबर ऑफ कोर्स जो है उसको इनफाइनाइट कर देते हैं, तो आपकी जो स्पीड अप होगी वो 1 ओवर एस के बराबर होगी। ये 1 ओवर एस के बराबर क्या कैसे हो जाएगी, लाइक अगर आप 1 माइनस एस जो है इसको n से डिवाइड करते हैं और n की वैल्यू जो है वो अगर इनफाइनाइट होती है, तो किसी भी चीज को अगर आप इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है नियरली जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर नियरली जीरो हो जाएगी तो आपके पास बाकी जो है वो 1 ओवर एस जो है वो बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट कोर्स भी हैं तो आपकी जो स्पीड अप है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ कोड दैट इज रिटन सीक्वेंशियल या सीरियल के अंदर जो लिखा हुआ। यानी अगर आपके पास सारे का सारा कोड जो है वो सीरियल में है, एस की वैल्यू अगर 1 में है, आपके पास एस की वैल्यू 1 है, यानी सारा कोड ही सीक्वेंशियल है, तो 1 ओवर एस जो है वो भी 1 होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड अप कितनी हुई, 1 टाइम, यानी जितनी एक प्रोसेसर से होनी थी उतनी ही इनफाइनाइट प्रोसेसर से हुई। तो इसका मतलब ये है कि आपको इफेक्टिवली कोई स्पीड अप नहीं मिला जब तक कि आप हमने अपने कोड को पैरेललाइज नहीं किया, जब तक कि आपने उसको इस काबिल इस तरह डिवाइड नहीं किया कि वो जो है वो पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सके। उसके बाद यहाँ पे एक ग्राफ है, इसको देखते हैं। यहाँ पे इस साइड पे आपकी जो नंबर ऑफ कोर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे आपका जो स्पीड अप है वो इंक्रीज हो रहा है। ये जो रेड लाइन है ये आपको आइडियल स्पीड अप की वैल्यू दे रही है। आइडियल स्पीड अप का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 प्रोसेसर हो या 2 कोर्स हो तो मुझे 2 टाइम्स स्पीड चाहिए, अगर मेरे पास 4 कोर्स हो तो मुझे 4 टाइम जो है वो स्पीड चाहिए, अगर मेरे पास 6 हो तो मुझे 6 टाइम्स चाहिए। तो ये तो एक आइडियल वैल्यू है जिसकी जो कि डिजायरेबल है, लेकिन इतने होते ही नहीं है। तो जो अम्दाल्स लॉ से हमें वैल्यूज मिलती हैं यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एस, एस की वैल्यू जो है अगर आपके पास 0.05 होगी तो ये ग्रीन लाइन इसको डिपिक्ट कर रही है कि आपका स्पीड अप कितना है। ठीक है, यानी अगर आपका जो सीरियल कोड है वो सिर्फ 5% है और आपका अगर पैरेललाइजेबल कोड जो है वो 95% है, तो इनके दरमियान जो है वो फर्क कम है इन दोनों लाइंस के दरमियान। अगर आपका सीरियल कोड जो है वो 10% है और आपका पैरेललाइजेबल कोड जो है वो 90% है, तो आइडियल लाइन और इस लाइन के दरमियान जो फर्क है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर आपके पास 50% सीरियल कोड है, मैं इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके पास 50% सीरियल कोड है और 50% ही आपके पास पैरेललाइजेबल कोड है, तो आप ये देखें कि आपका डिफरेंस कितना है इस लाइन से। यानी आपको नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाने से स्पीड अप में कोई ज्यादा इजाफा नहीं मिल रहा। तो ये जो फैक्ट है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो बर्डन है उसको शिफ्ट करता है ऑन प्रोग्रामर के, प्रोग्रामर जो है इस तरह का कोड लिखे जो कि पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सके ताकि आपके जो अंडरलाइंग हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनका आपको फायदा मिल सके। दस मिनट बाद आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा।
उसके बाद है थ्रेड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक यूजर स्पेस के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, एक आपके पास जो है वो कर्नल स्पेस के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। यूजर स्पेस के अंदर कौन से थ्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमारी एप्लीकेशन के थ्रेड होंगे, जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई थ्रेड बने हुए हैं, कोई आपके पास पावर पॉइंट में बना हुआ है, नोट पैड के अंदर बना हुआ है, ब्राउजर के अंदर बने हुए हैं, तो ये सारे यूजर स्पेस में होंगे। अब ये जो थ्रेड्स हैं इनको भी जरूरत होती है कि ये आईओ डिवाइसेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें, ये फाइल्स के साथ इंटरेक्ट करें, इनको स्केजुअल किया जाए, तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको जो है वो कर्नल मैनेज करता है। तो इनको मैनेज करने के लिए कर्नल जो है वो भी हमने पढ़ा कि कर्नल मल्टी थ्रेडेड होते हैं यूजुअली, तो कर्नल लेवल पे भी थ्रेड होते हैं, तो वो जो कर्नल लेवल पे थ्रेड होते हैं उनको आप कर्नल थ्रेड करते कहते हैं, और जो यूजर स्पेस के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसको आप यूजर थ्रेड करते हैं। यूजर थ्रेड के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, जो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, उसमें एक पोजिक्स का है जो पी थ्रेड की लाइब्रेरी है, विंडोज की एक थ्रेड की लाइब्रेरी है, और जावा की एक थ्रेड की लाइब्रेरी है जो कि जावा विजुअल मशीन के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। कर्नल थ्रेड जो है वो सपोर्ट किए जाते हैं कर्नल के ऊपर, और यूजुअली आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं ऑन द कर्नल भी। विंडोज जो है वो भी मल्टी थ्रेडेड है, लाइनक्स भी मल्टी थ्रेडेड है, मैक भी मल्टी थ्रेडेड है, आईओएस और एंड्रॉयड जो है ये भी मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जी जी बताए सर, ये मैक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है सर, काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें। मैक बेटा है इसको, मतलब पुराना इसके जो वर्जन थे उसको मैकिंटोश कहते थे, अभी मैक ओएस से कहते हैं। एप्पल के सिस्टम आपने देखा है कोई, एप्पल की जो मैकबुक जो है वो आपने कभी देखा? जी सर। उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो मैक ओएस एक्स होता है। ओके सर। अच्छा, ये आपको एक डायग्राम है, उसमें यूजर थ्रेड और कर्नल थ्रेड जो है वो दिखाए गए हैं कि ये यूजर स्पेस के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये कर्नल स्पेस के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके बाद है मल्टी थ्रेडिंग के मॉडल्स, मैनी टू वन हो सकता है, वन टू वन हो सकता है, मैनी टू मैनी हो सकता है। अब इसको हम रिलेटिव उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्लाइड है उसी पर जाके डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले है मैनी टू वन जो थ्रेड्स हैं। अब इसमें होता ये है कि यूजर जो है उसने कई काम करने हैं, लाइक उसके पास मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो ओपन है, और हर एक एप्लीकेशन जो है उसमें भी यूजली एक से ज्यादा थ्रेड्स जो है वो अवेलेबल जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब जो जब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उन सबने इंटरेक्ट करना है कर्नल के साथ भी, तो कर्नल से उन्होंने कुछ चीजें मांगनी है, लाइक फाइल की एक्सेस मांगनी है, आईओ की एक्सेस मांगनी है, और जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक काम है उनके लिए कर्नल से रिक्वेस्ट करना है। अब इस मॉडल में कर्नल के पास सिर्फ एक ही थ्रेड चल रहा होगा, ठीक है। अगर इसने रिक्वेस्ट करना ही है तो ये भी इसी थ्रेड को रिक्वेस्ट करेगा, अगर दूसरे थ्रेड ने रिक्वेस्ट करनी है वो भी इसको करेगा, तीसरे ने करनी है वो भी इसको करेगा, चौथे ने करनी है वो भी इसको करेगा। अब इसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक थ्रेड जो है उसने कर्नल थ्रेड को रिक्वेस्ट की हुई है और कर्नल थ्रेड जो है उसके ऊपर जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है या बिजी है इसके ऊपर काम कर रहा है, मीनवाइल इसको भी कर्नल थ्रेड की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? इसको वेट करना पड़ेगा, इसी तरह इसको भी वेट करना पड़ेगा, इसी तरह ये वाला जो थ्रेड है इसको भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस मॉडल को सपोर्ट नहीं करते। यूजली आपके पास जो है वो दो ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलारिस ग्रीन थ्रेड्स का और जीएनयू पोर्टेबल थ्रेड्स है, ये दो लाइब्रेरीज हैं जिनको शायद अभी हम कभी नहीं पढ़ेंगे, और शायद आप अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उनमें भी इनको ना देखें। तो ये ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि एक कर्नल लेवल पे एक ही थ्रेड को सपोर्ट कर और मैनी टू वन मॉडल जो है उसको फॉलो कर। उसके बाद है वन टू वन थ्रेड। वन टू वन थ्रेड जो है इसको कौन फॉलो कर रहा है? विंडोज फॉलो कर रही है, लाइनक्स जो है वो सपोर्ट कर रही है। इसमें होता ये है कि जैसे ही आप एक यूजर थ्रेड बनाते हैं साथ ही कर्नल भी एक थ्रेड बना के इसके साथ अटैच कर देता है कि इस थ्रेड की जितनी भी जरूरियात हैं जिसके लिए उसको कर्नल को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा वो रिक्वेस्ट किससे पूरी होंगी? वो इस वाले कर्नल थ्रेड से होगी। इसी तरह जब ये वाला थ्रेड जो है वो यूजर स्पेस में जनरेट हुआ तो कर्नल ने साथ ही ये वाला थ्रेड बनाया और इसको इसके साथ अटैच कर दिया। इसी तरह इस थ्रेड के लिए ये कर्नल थ्रेड बन गया, इसी तरह इस थ्रेड के लिए ये वाला कर्नल थ्रेड बन गया। अब वन टू वन मॉडल में जो है वो नुकसान क्या हो सकता है? अगर आपके पास यूजर स्पेस जो है उसमें बहुत ज्यादा थ्रेड्स बनना शुरू हो जाए तो कर्नल को भी उतने ही थ्रेड्स बनाने पड़े, ठीक है।
कर्नल को, लाइक अगर आपके पास जो है वो 50,000 यूजर थ्रेड हैं तो आपके पास 50,000 ही कर्नल के थ्रेड होंगे, और जो यूजर के 50,000 थ्रेड हैं उसमें से हो सकता है कि एक्चुअली सिर्फ 5,000 को ही कर्नल की एक्सेस चाहिए हो, बाकी जो है वो दूसरे काम कर रहे हैं यूजर स्पेस के अंदर जो रह के हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके थ्रेड बहुत ज्यादा बन जाते हैं, उससे आपका सिस्टम जो है वो स्लो होगा, उसके ऊपर जो है वो ओवरबर्डन हो जाएगा। तो इस चीज को कैटर करने के लिए एक और मॉडल है जिसको आप कहते हैं मैनी टू मैनी मॉडल। इसमें होता ये है कि आपके पास यूजर थ्रेड जो है उनकी मैपिंग होती है कर्नल थ्रेड के ऊपर, यानी उनको वन टू वन मैपिंग नहीं होती, आपके पास काफी सारे यूजर थ्रेड्स होते हैं और आपके पास काफी सारे जो है कर्नल थ्रेड्स होते हैं, तो यूजर थ्रेड ने कर्नल थ्रेड से करनी है तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक कर्नल थ्रेड को रिक्वेस्ट भेजे, बल्कि वो ये करेगा कि फॉर एग्जांपल इसको दो रिक्वेस्ट भेजनी थी कर्नल को, पहली दफा हो सकता है ये इसको रिक्वेस्ट भेजते, उसके बाद इसकी रिक्वेस्ट पूरी करने के बाद ये फ्री हो जाएगा, लेकिन जब उसने दूसरी दफा रिक्वेस्ट करनी, हो सकता है ये वाला थ्रेड जो है वो कर्नल का बिजी हो लेकिन ये वाला फ्री हो, तो दूसरी रिक्वेस्ट वो यहाँ से फुलफिल कर, तो जिस तरह मल्टीप्लेक्सिंग होती है ना कि आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो यूजर स्पेस में है, मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो कर्नल स्पेस में है और उनकी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, यानी एक कर्नल का जो थ्रेड है वो मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स जो है उनके उनके जो है उनके लिए उनके बिहाफ के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इसमें यूजली होता ये है कि जो कर्नल थ्रेड्स होते हैं वो यूजर थ्रेड से कुछ कम होते हैं, लाइक अगर आपके पास 50,000 या 50,000 की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपके पास 50,000 यूजर थ्रेड होंगे तो कर्नल जो है उसके पास 50,000 थ्रेड नहीं होंगे, उसके पास हो सकता है 5,000 थ्रेड्स हो, तो उनकी आपस में मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। उसके बाद है आपके पास टू लेवल मॉडल, इसमें यानी मैनी टू मैनी को भी उन्होंने साथ ही रखा हुआ है, यानी अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये मैनी टू मैनी मॉडल है, यानी कर्नल के स्पेस के अंदर भी मल्टीपल थ्रेड हैं, यूजर स्पेस के अंदर भी मल्टीपल थ्रेड हैं और उनकी मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट जो है वो क्या हो सकता है कि आपका अगर एक थ्रेड यूजर थ्रेड ऐसा है जिसको डेडिकेटेड कर्नल थ्रेड चाहिए तो उसको ये असाइन किया जा सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन है वन टू वन मॉडल का और मैनी टू मैनी मॉडल। सर अगर एक थ्रेड यूजर थ्रेड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो कर्नल पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? अगर एक यूजर थ्रेड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो कर्नल पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, ये मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास जो है वो वन टू वन मॉडल है जिसमें जब भी यूजर का थ्रेड बनना है तो कर्नल का भी थ्रेड बनना है, तो अगर यूजर का थ्रेड जो है वो डिस्ट्रॉय होगा तो कर्नल का जो थ्रेड है वो भी फ्री हो जाएगा, उसको भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, वो जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है उसको भी वापस ले लेना चाहिए। उसके ऑन द अदर हैंड ऑन द कंट्रेरी अगर आप कर्नल जो मैनी टू मैनी मॉडल की बात करें, अगर आप इसके डायग्राम देखें तो लाइक हम ये कहते हैं कि अगर हमारा ये वाला थ्रेड जो है ये खत्म हो जाता है, ठीक है, तो बाकी जो थ्रेड हैं वो तो मौजूद हैं, तो कर्नल के जो तीन थ्रेड हैं वो इनके ऊपर जो मल्टीप्लेक्स हो जाएंगे। इसमें ये पॉसिबल है कि कर्नल जो है वो अपने थ्रेड्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, लेकिन ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता कि यूजर का जो एक जब भी यूजर का जो है वो थ्रेड खत्म होगा तो कर्नल का थ्रेड भी खत्म हो जाएगा, या जब भी यूजर का थ्रेड जनरेट होगा तो कर्नल का थ्रेड जो है वो भी जनरेट हो जाएगा। ये वाला जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ वन टू वन मॉडल में होगा। उसके बाद है थ्रेड लाइब्रेरीज। थ्रेड लाइब्रेरीज जो है वो आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं जिसके जरिए जो है वो आप पैरेललाइजेबल कोड जो है वो लिख सकते हैं। एक उसकी जो लाइब्रेरी की इम्प्लीमेंटेशन है या एक उस लाइब्रेरी की जो एग्जांपल है वो पी थ्रेड की लाइब्रेरी है जो कि पोसिक्स के अंदर मौजूद है। पोसिक्स जो है वो यूनिक्स लाइक सिस्टम जिनमें लिनक्स भी शामिल है उनके अंदर बिल्ट इन होता है, तो उसको यूज करते हुए आप मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये पी थ्रेड्स को ही डिस्कस किया जा रहा है। ये एक स्पेसिफिकेशन है, इसमें उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जब आप स्टैंडर्ड देते हैं तो उसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो सकती हैं, लाइक एक ही स्टैंडर्ड है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंटेशन की, दूसरी ने इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो इम्प्लीमेंटेशन में फर्क हो सकता है लेकिन उनको कंप्लाई करना पड़ता है जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हुए हैं।